तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के क्रिकेट। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज टूर ऑफ साउथ अफ्रीका 2023 के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 21 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सेनवेस पार्क पोचेस्ट्रूम साउथ अफ्रीका में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम साउथ अफ्रीका की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज का भी सेम पोजीशन है, 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों का लगभग इक्वली परफॉर्मेंस के साथ आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहां पे साउथ अफ्रीका 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं वेस्ट इंडीज 4 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे साउथ अफ्रीका 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे साउथ अफ्रीका 40% देखने को मिल सकता है, तो वहीं वेस्ट इंडीज का 20% देखने को मिल सकता है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ साउथ अफ्रीका द्वारा 241 रन लग सकती है, वहीं वेस्ट इंडीज के द्वारा 217। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो साउथ अफ्रीका के द्वारा 347 रन लगी हुई है, वहीं अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो 335 रन लगी है। अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो साउथ अफ्रीका का 83 है, वहीं वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज का 108 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो सन्नी रहेगी, 20.7 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 74% रहेगी, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग में 263-64 में भी रन लग सकती है। वहीं अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में इस पिच पे 238 रन लगने की संभावना है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों तरफ से दोनों टीम विन कर सकती है। अगर जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करे तो वो भी मैच जीत सकती है, जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे तो वो भी मैच जीत सकती है, क्योंकि जो भी टीम स्ट्रांग होगी वो मैच जीत सकती है। के लिए एक ज्यादा प्लस पॉइंट हो सकते हैं कि टॉस जीत के बैटिंग करें। अगर इस पिच पे देखें तो अभी तक टोटल 9 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफी जबरदस्त हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम साउथ अफ्रीका की बात करें तो नो डाउट काफी अच्छी टीम है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पिछली मैच की बात करें सेकंड ओडीआई, तो सेकंड ओडीआई में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला साउथ अफ्रीका के प्लेयर और बॉलर द्वारा। वहीं अगर दूसरी टीम वेस्ट इंडीज की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है, कॉम्बिनेशन भी पिछले मैच में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, इस मैच में भी उम्मीद करता हूं कि अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। पिछली मैच की बात करें तो टॉस जीत के जहां बैटिंग चूज करने का कैप्टन द्वारा किया गया था और काफ़ी अच्छे रन स्कोर भी बनाए गए थे। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉल्स पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम साउथ अफ्रीका के की प्लेयर की बात करें तो क्विंटन डीकॉक, टिम्बा भवुमा, तबरेज सैमसी, ट्रिस्टन स्टाफ्स। वहीं दूसरी टीम वेस्ट इंडीज के की प्लेयर की बात करें तो निकोलस पूरन, रॉबिन पॉवेल, काइल मायर्स, अल्जारी जोसेफ, ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देख तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए साउथ अफ्रीका हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।